हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। सभी को गुड इवनिंग। एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन सबकी बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही है? इस लॉकडाउन में एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी आपको ब्रेक नहीं करना था, ठीक है? और अगर ब्रेक कर दिया है तो अब पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए फिर से, क्योंकि जैसे ही ये सब ख़त्म होंगे एग्जामिनेशन की डेट आपकी आ जाएगी और फिर पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है? तो अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा ही पढ़िए दिन में, बट सारे सब्जेक्ट का रिविज़न उसको करते रहिए, ठीक है? जिसको रीजनिंग की वीडियो चाहिए थी, कमेंट्स आ रहे थे कि मैम रीजनिंग का भी वीडियो दीजिए, तो रीजनिंग की भी वीडियो आपको 5 मिनट ट्रिक्स पे अपलोड कर दी जा रही है। 5 मिनट जीके चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए, उस पर आपको रीजनिंग की और जितनी भी सारी ट्रिक हैं उनकी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है? और चलिए फिर आप वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं सेशन। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आज एवरेज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है? एवरेज का लास्ट लेक्चर है, इसके बाद फिर एवरेज ख़त्म हो जाएगा। एवरेज के जितने भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हो सकते थे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, उन सभी को आपको करवा दिया गया है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक परीक्षार्थी ने 10 संख्या का औसत मान 50 ज्ञात किया, ठीक है? क्या है? एक परीक्षार्थी यानी कि टीचर ने 10 संख्या का औसत मान 50 ज्ञात किया, परंतु बाद में उसे ज्ञात हुआ कि गलती से उसने क्या किया है, 31 को 13 लिख लिया है, ठीक है? उसको लिखना था 31, उसने लिख कितना लिया, 13 लिख लिया। तो औसत मान जो सही वाला है उसको ज्ञात कीजिए। तो सही औसत मान आप लोग बताइए, सही औसत मान क्या होगा? कल का जो वीडियो लिया गया है उसके पहले जो एवरेज का लिया गया था, ठीक है? एवरेज का फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर, उसमें सारे ही टॉपिक कंप्लीट कर दिए गए हैं एवरेज के सारे ही, ठीक है? और जितने बचे हैं वो आज की वीडियो में ले लिए जाएंगे, जिससे कि एवरेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बताइए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक परीक्षार्थी ने 10 संख्या का औसत मान 50 ज्ञात किया, परंतु बाद में उसे ज्ञात होता है कि गलती से 31 को 13 मान लिया गया है। तो सही औसत मान क्या होगा? सही औसत मान कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन का ट्रिक समझिए, कुछ नहीं है, क्वेश्चन में तुरंत निकल रहा है। उसको लिखना था 31, उसने लिख लिया 13, तो डिफरेंस आप इसका निकाल लिया करिए। 31 में से आप 13 को माइनस कर दीजिए, कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 18 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है? 31 में से 13 को माइनस करिए, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 18 का डिफरेंस आ रहा है। और 18 का डिफरेंस कितने में आ रहा है, कितनी संख्याएं थी, 10 संख्या थी। तो 10 संख्या में उसने 18 का गलती कर दिया, मतलब 18 उसने कम ले लिया, तो 18 कम ले लिया मतलब उसको 18 और जोड़ना पड़ेगा, तो 10 संख्याओं में 18, ठीक है? तो इसको भाग दिया करिए, 1.8, मतलब 1.8 नंबर उसने कम जोड़ा था, तब जाके उसका एवरेज मान 50 आया था। तो सही एवरेज मान क्या हो जाएगा, 50 में हम लोगों को ऐड कर देना है कितना, 1.8, दिख रहा है कि नहीं? 50 में हम लोगों को ऐड कर देना है 1.8, तो क्या हो जाएगा, 51.8, ये हमारा नया एवरेज आ जाएगा, यानी कि सही औसत मान। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं इसी तरह, क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओके, 20 प्रेक्षणों का औसत मान 14 था, बाद में यह पता चलता है कि प्रेक्षण 9 को गलती से 19, ठीक है, गलती से 19 लिख लिया, तथा प्रेक्षण 17 को गलती से 7 लिख लिया। तो सही औसत मान क्या होगा, ये भी जस्ट ऊपर वाले की तरह ही है, ठीक है? इसमें हमने इसलिए ले लिया है कि कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाए, किसमें से किसको घटाना है, किसको लिया, 9 को 19 माना और 7 कितना, 17 को 7 मान लिया, ठीक है, 17 को 7 मान लिया। तो जिसको जिसको उसने गलत माना है उसको पहले लिख लेते हैं, 9 लिख लीजिए प्लस 17 लिख लेना है यहाँ पे, 9 प्लस 17, इसको इसको ये लिखना था, पर उसने गलती से अब क्या लिख लिया है, यहाँ पे ये लिख लेंगे जो गलती से लिखेगा, ठीक है? तो सही वाला जो था लिखना चाहिए था वो, उसमें से हमें माइनस कर देना है जो गलत वाला उसने लिख लिया है। तो ये भी 26 आएगा, ये भी 26 आएगा, तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। तो उसने गलती तो की थी पर उसके एवरेज में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, है ना? डिफरेंस कितने का आ गया यहाँ पे, देखिए 26 माइनस 26 हो रहा है, डिफरेंस कितने का आ जा रहा है, डिफरेंस तो 0 का ही हो गया। डिफरेंस जैसे ही 0 का हो गया, हमने 0 में किससे डिवाइड किया, 20 से मान लीजिए, तो अभी तो 0 ही आएगा, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो उसके एवरेज में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, जो नया एवरेज है उसका मान भी क्या है, 14 ही होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, सही गलत वाले क्वेश्चन क्लियर हुए, ठीक है? नहीं क्लियर हुआ तो बहुत अच्छे समझाएं उसको, एक बार फिर से बैक करके देख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट केस पे, ये तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है लिया गया है, यदि
एम संख्याओं का औसत मान एन स्क्वायर हो तथा एन संख्याओं का औसत मान एम स्क्वायर हो, तो एम प्लस एन संख्याओं का औसत मान बताइए। इसको कैसे करेंगे? एम संख्याओं का औसत मान एन स्क्वायर हो तथा एन संख्याओं का औसत मान एम स्क्वायर हो, तो एम प्लस वन संख्या का औसत मान बताइए। जैसे कल वाले वीडियो में आपको समेशन करना सिखाया गया था, तो कल वाले वीडियो में जो समेशन सिखाया गया था उसी के अकॉर्डिंग समेशन कर लेना है। समेशन किया, किसका समेशन करना है? पहले यहाँ पे एक चीज़ समझना होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस डॉट करते हुए एक्स एम तक गए हैं, डिवाइड किया एम से, इसका औसत क्या दिया है? एन स्क्वायर दिया है। इसका औसत क्या दिया हुआ है? एन स्क्वायर। ठीक है, अब सबका ऐड कर लेना है, एक्स वन प्लस एक्स टू डॉट डॉट करते हुए कहाँ तक? एक्स एम तक। ये कितना हो जाएगा? इसका समेशन, पूरे का समेशन कितना हो जाएगा? एम इंटू एन स्क्वायर। इस पूरे का समेशन आ गया एम इंटू एन स्क्वायर, तो एम संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दिए एन स्क्वायर में, तो ये कितना आ गया? एम एन स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से इसके नीचे वाले का समेशन निकाल लेना है, क्या है? एन संख्याओं का औसत मान एम स्क्वायर है, तो एन संख्याओं का औसत मान कितना है? एम स्क्वायर है। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? एन इंटू एम स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, एम एन स्क्वायर प्लस एन इंटू एम स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा? एम प्लस एन अंदर बचेगा, और बाहर हमने क्या कर लिया? एम इंटू एन को कॉमन ले लिया। यहाँ तक समझ में आया? इसमें भी एम एन था और इसमें भी एम एन था। पहले तो क्या किया? एम संख्याओं का औसत मान एन स्क्वायर था, इसको कर लिया। ठीक है, इसका समीशन निकाल लिया। फिर एन संख्याओं का औसत मान एम स्क्वायर था, इसका समीशन निकाल लिया। अब दोनों का समीशन निकल गया है, तो हमें चाहिए एम और एन का। ठीक है, एम प्लस एन दोनों संख्याओं का औसत मान बताना है, दोनों को जोड़ करके। तो इनके समेशन को जोड़ देना है, इनके समेशन को हमने जोड़ दिया। समेशन को जैसे ही जोड़ दिया, इसमें से देखें एम एन इसमें भी कॉमन है, एम एन इसमें भी कॉमन है, तो दोनों में से कॉमन ले लिया एम एन। अब पहले वाले में देखिए क्या बच रहा है, इस वाले में से जब एम एन को कॉमन लेंगे तो इसमें एम बचेगा, इस वाले में से एम एन को जब कॉमन लेंगे तो इसमें एन बचेगा, तो वही एम प्लस एन ब्रैकेट के अंदर आ गया, बाहर क्या हो गया? एम एन हो गया। और किसका एवरेज निकालना था? एम प्लस एन का। तो बटे में हमने कर दिया पदों की संख्या, ऊपर क्या आ गया? समेशन आ गया, बटे में कर दी गई पदों की संख्या, इससे इसको डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, एवरेज क्या बच गया? एम एन इस संख, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एम एन हो जाएगा इसका औसत मान। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो चलते हैं अब वर्गों का औसत और घनों का औसत कैसे निकालते हैं, क्यूब का और स्क्वायर डिजिट का औसत कैसे निकाला जाता है उसको पढ़ लेते हैं। केस सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्गों का औसत निकालना। वर्गों का औसत कैसे निकालते हैं? जैसे देखिए, पहले कोई संख्या दी गई है, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, समेशन है ये, ठीक है, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर डॉट डॉट करते हुए एन का स्क्वायर। ये जो समेशन होता है इसका फॉर्मूला हमेशा ज्ञात होना चाहिए, ठीक है, हमेशा पता है ये सब, ये फॉर्मूला याद करने ही करना पड़ेगा इसको हमेशा के लिए, मतलब ये हमेशा आपके काम आएगा, इस फॉर्मूले को याद करना ही करना है। तो जितने भी वन से लेकर के एन डिजिट्स होती हैं उनका समेशन जो होता है स्क्वायर डिजिट का, उसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स। ये याद हो गया, ये सभी को पता होगा, ठीक है, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स, ये होता है समेशन किसका? स्क्वायर डिजिट का। इतना हो गया। अब हमने क्या बताया था? जो एवरेज होता है, ठीक है, हमने क्या बताया था? जो एवरेज होता है वो क्या होता है? समेशन होता है और डिवाइडेड बाय पदों की संख्या, यानी कि एन होता है। एवरेज इज इक्वल्स टू समेशन अपॉन पदों की क्या होती है? संख्या होती है। ठीक है, इतना होता है एवरेज बराबर। तो यहाँ से सम हमने निकाल लिया, बटे पदों की संख्या एन है, सम आप लोग लिख लीजिए, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स, और बटे में क्या कर देना है? एन कर देना है पदों की संख्या, ये एन से ये एन कट जाएगा। जैसे ये एन से एन कट गया तो क्या बच गया हमारे पास? एवरेज एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स, ये हो गया एवरेज। कितना आ गया एवरेज? एन प्लस वन और टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स, ये हो गया एवरेज। ठीक है, तो समेशन का फॉर्मूला याद रहेगा तो बस हमें उसमें से एन काट देना है, बन जाएगा एवरेज का फॉर्मूला। एक ही फॉर्मूले से दो दो ट्रिक हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है, ये तो हमेशा याद करना ही करना है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जामिनेशन में। जैसे ही समेशन का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, उसमें से एन कम कर देंगे, क्यों? क्योंकि एवरेज में समेशन अपॉन में एन करते हैं ये पदों की संख्या, तो एन से एन कट जाएगा और हमारा बन जाएगा एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ तक एवरेज का फॉर्मूला समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या लिखा है? वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर डॉट डॉट करते हुए टेन स्क्वायर का एवरेज बताना है। वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर डॉट डॉट करते हुए टेन स्क्वायर संख्या तक है, उसका एवरेज बताना है। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है? टेन दी गई है।
ऊपर वाला फॉर्मूला दिख रहा है, इसी में लग देते हैं एन की वैल्यू, तो आ जाएगा एवरेज। ऊपर वाले फॉर्मूले में एन की वैल्यू देखिए क्या है, 10 है, 10 + 1 11 मल्टीप्लाइड बाय 10 × 2 20, और 20 + 1 21 डिवाइडेड बाय 6 करना है। यहाँ तक क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसको काट लिया, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, कितना आ जाएगा, 77 डिवाइडेड बाय 2। 77 से हम लोगों को 2 को डिवाइड कर देना है, कितना आ जाएगा, 38.5। तो 10 संख्याओं का स्क्वायर डिजिट का एवरेज कितना हो जाएगा, 38.5। क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन इसी वे में लिखा हो, क्वेश्चन लिख सकता है 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब प्राकृतिक संख्याएं तो होती हैं, तो 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताना है, तो वर्गों का औसत क्या हो जाएगा इसका, 38.5। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, एन की वैल्यू इसमें 10 थी, लास्ट में 10 है तो एन की वैल्यू 10 थी, इस फॉर्मूले में हम लोगों ने पुट किया, इस फॉर्मूले में पुट करने पे हमें आंसर मिल गया। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन और है जिसमें एन की वैल्यू लास्ट में कहाँ तक ली गई है, 1 से लेकर के 23 तक ली गई है, सबका स्क्वायर डिजिट हमें ज्ञात करना है, 1 से लेकर 23 तक है, और इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। एन की वैल्यू जैसे ही 23 होगी तो हमें किस फॉर्मूले में रख देना है, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। इस फॉर्मूले में हमने रख दी इसकी वैल्यू, 23 + 1, 23 × 2 + 1 डिवाइडेड बाय 6। इसको सॉल्व कर लेना है, 23 + 1 = 24, 23 × 2 क्या हो जाएगा, 46 + 1 = 47 डिवाइडेड बाय 6। इसको हमें 6 से कैंसिल कर लेना है, 6 × 4 = 24, फिर 4 × 47 विच इज़ इक्वल्स टू 188। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो 23 संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा, 188। ठीक है, कमेंट आप लोग अपने करके बताते रहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, का औसत ज्ञात करना। अब देखिए घनों का औसत क्या है, जिस टाइप में एवरेज का सम जैसे कि स्क्वायर डिजिट का सम होता है, उसी तरह से सेम क्या होता है, क्यूब डिजिट का भी सम होता है, क्यूब डिजिट का भी एवरेज होता है। अब इसका क्यूब डिजिट का सम क्या है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब डॉट डॉट करते हुए एन का क्यूब है। इसका भी समेशन क्या होता है, n n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका सम क्या होता है, n n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन करेंगे कितना जाएगा, n² n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो गया इसका समेशन। जैसे ही समेशन पता चल गया, समेशन में हमको एन से डिवाइड कर देना है तो एवरेज आ जाएगा। तो समेशन पता चल गया, समेशन में एन से डिवाइड किया, एवरेज आ गया, एक एन से एक एन कैंसिल हो गया, बाकी और सारी चीज़ें ऐसे ही लिखी रहेंगी, n n+1 का होल स्क्वायर बाय 4। ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक, उसके बाद चलते हैं आगे, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, इसका औसत निकालना है। तो इसका औसत कैसे निकालेंगे, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 5 दी गई है, एन की वैल्यू 5 है, एवरेज निकालना है क्यूब का, इसमें एन की वैल्यू रख देते हैं, 5 × 5 + 1 यानी कि 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 5 × 36 डिवाइडेड बाई 4, दिख रहा है पूरा क्लियर, 4 से इसको कैंसिल कर लेना है, 4 9 = 36, तो कितना हो जाएगा, 9 5 = 45। यहाँ तक क्लियर हुआ? इस संख्या का एवरेज क्या हो गया, 45 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया घनों का औसत कैसे निकालते हैं, क्यूब का औसत कैसे निकालते हैं। 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं तो उनका क्यूब क्या होगा, 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका क्यूब क्या होगा, इसी तरह से और भी ढेर सारी दे सकते हैं, तो उनके क्यूब का एवरेज क्या होगा वो कैसे निकाला जाता है, इस फॉर्मूले से निकलेगा, n n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। यहाँ तक क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा हुआ है सोमवार से लेकर के बुधवार तक का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और फिर कहाँ से हो गया, मंगलवार से लेकर के गुरुवार तक का औसत तापमान कितना दिया गया है, 30 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हो तो हमें किसका तापमान निकालना है, सोमवार का तापमान ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन में है। ठीक है, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हुआ है, सोमवार का तापमान ज्ञात करना है, ये आपका क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो इसको कैसे सॉल्व कर लेना है, जितनी भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन हो सकती है उन सभी को इस वीडियो में कवर कर दिया गया है, जिससे कि एवरेज के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, सारे ही सारे कवर हो जाएं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं कैसे ये करना है इस क्वेश्चन को।
सबसे पहले तो ये कर लेना होता है, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे लिखा है, ठीक है, तीन संख्याएं हैं, तीनों को हमें सम कर देना है और फिर कितने से डिवाइड कर देना है, 3 से। यही करते हैं एवरेज में, ये इसका बेसिक मेथड हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसी का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो इन सब का समेशन पता हो जाएगा, ठीक है। बस इसको बताने के लिए ये चीज़ लिखा हुआ था, और कोई मतलब नहीं है इसका। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इन सभी का समेशन कितना आ जाएगा, इन सब का समेशन हो जाएगा 3, ठीक है, 25 × 3, 25 इसका एवरेज था, 25 × 3 क्या हो जाएगा, इन सब का समेशन हो जाएगा, 25 × 3 इज इक्वल टू 75 डिग्री सेल्सियस, ये इसका हो गया। इधर पे लास्ट के 3 डिजिट का क्या दिया गया, औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इनका औसत तापमान कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है। वही सेम काम, 3 है, 1, 2, 3, तो 30 × 3 कर दिया, 90 डिग्री सेल्सियस यहाँ से आ गया, ठीक है। पूरा दिख रहा है कि नहीं, 90 डिग्री सेल्सियस यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे क्या कर गया हमने, माइनस लगा लिया, 1 मिनट रुकिए, पेन चेंज कर लो, बताते हैं। यहाँ पे ये 75 आया इसका एवरेज, पूरे का समेशन करने पे, इसका समेशन करने पे 90 डिग्री सेल्सियस आया। अब यहाँ पे जो भी डिजिट यहाँ पे है, वही डिजिट यहाँ पे भी है, तो माइनस साइन चेंज करके हमने क्या कर लिया, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। जैसे इसको माइनस करेंगे तो ये और ये नंबर कट गया, ये और ये नंबर कट गया, ठीक है। क्या बचा, मंडे माइनस थर्सडे, तो मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, -15 डिग्री सेल्सियस। माइनस क्यों, क्योंकि ये नंबर जो है 90 बड़ा है और ये 75 छोटा है, और बड़े का साइन, बड़े नंबर के आगे किसका साइन लगा है, नेगेटिव का, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, -15 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक। और यहाँ पे क्या दिया है, 35 डिग्री सेल्सियस थर्सडे का टेम्परेचर दिया हुआ है, तो थर्सडे की जगह पे हमें लिख लेना है क्या, 35 डिग्री सेल्सियस लिख लिया। m-35 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू -15 डिग्री सेल्सियस, ये 35 इधर माइनस में अपोजिट साइड जाएगा इक्वल के, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो गया, 15 को माइनस कर लिया इसमें से, तो जो मंडे का टेम्परेचर आया वो कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। मंडे का टेम्परेचर कितना आ गया, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसको कल करवा लिए हैं, बस ये रिवीजन के लिए रखा गया है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसको कल बता दिए गए हैं, इसका एक और क्वेश्चन लेना था रिवीजन के लिए, तो वो आज ले लिया गया है। क्या है, 15 व्यक्तियों का औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 70 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति ले लिया जाता है, तो नए व्यक्ति का क्या करना है, भार निकालना है। जिसने कल का वीडियो नहीं देखा है, कल का वीडियो जा करके देख लीजिए, उसमें ये वाला क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करवाया गया है, ठीक है, आज इसका बस रिवीजन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे इसको, क्वेश्चन पढ़ लिया, 15 व्यक्तियों का औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 70 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पे एक नया व्यक्ति ले लिया जाए, तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा, तो नए व्यक्ति का जो भार आएगा, नए व्यक्ति का भार कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जाने वाले व्यक्ति का भार कितना है, 70 है, और फिर प्लस करेंगे, यहाँ पे 2 किलोग्राम बढ़ रहा है, ठीक है, 2 किलोग्राम वेट बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो हमें यहाँ पे एडिशन करना है, यदि यहीं पे घटा होता तो हमको यहाँ माइनस कर देते हैं, तो 2 किलोग्राम बढ़ गया है, कितने व्यक्तियों की संख्याओं में से, 15 में से, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला कल वाले वीडियो में बताया गया, जाकर के एक बार देख लीजिएगा उसको। 70 + 2 × 15 हो गया, तो 70 + कितना हो जाएगा, ये 30, विच इज़ इक्वल्स टू 100 किलोग्राम, तो 100 किलोग्राम जो होगा नए व्यक्ति का क्या होगा, भार होगा, तो नए व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा, 100 kg, ओके। तो वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये रहे एवरेज के कुछ क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, आप लोगों को दे दिए गए हैं, आप लोग सॉल्व करिए, सॉल्व करके इसके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि आप हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दिया करिए, तो ये लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके जो भी सॉल्यूशन होंगे वो कल की वीडियो में हम थोड़ा सा बता देंगे, तभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।